शाम का मुरब्बा बना रहे हैं, तो किस तरह से बनाते हैं और उसके लिए हम कौन सी कैरी यूज करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है ये तोतापुरी कैरी। ये इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसका ही मुरब्बा बनाते हैं, ये खटास में दूसरे आम के मुकाबले कम होती है खटास में, तो इसके लिए हमें शक्कर भी कम लगती है। शक्कर या गुड़ दोनों में आप कर सकते हो, मैं शक्कर में बना रही हूँ। तो इसका मैंने ये कवर निकाल दिया है, तभी ये एक इस तरह से रखी है कि इस तरह से ये होती है और इसी तरह से हमें लेना है, तो इसका मैं ये कवर निकाल देती हूँ। इसका मुरब्बा बहुत बढ़िया सा बनता है और मैं ये लाल मिर्च डाल के तीखा बना रही हूँ। चाहे तो आप मीठा, सिर्फ मीठा खट्टा मीठा भी बना सकते हो, लेकिन मैं लाल मिर्च डाल के बना रही हूँ, तो ये आपको फास्ट में भी काम में आ सकता है इस तरह से। तो अभी ये कवर निकाल देती हूँ। अब इस तरह से इसका कवर तो निकाल दिया है। ये वजन से देखा जाए तो ये 1 किलो जितनी ये हमें कैरी ली है, पर इसके छिलके और प्लस इसके जो बीच में का जो बीज होता है गोटली, वो सब निकाल के कितना आता है उसी हिसाब से हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो इसे हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। तो कद्दूकस करने में भी कैसे होता है, ये जो बड़ा वाला है, ये छोटा वाला, ये जो तीन पार्ट होते हैं, तो जो हमें बड़ा वाला है इससे करना है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर हम इससे करेंगे, क्योंकि वो से बॉयल हो जाने के बाद सिकुड़ जाती है। तो इसे हम पहले ट्राई कर लेते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम इसे ट्राई करेंगे। तो इससे पहले हम सबको हटा देते हैं। अभी ये जो बड़ा वाला है इसे हम ट्राई करते हैं, थोड़ा करके देखते हैं, अगर ज़्यादा ही बड़ा हो जाए तो फिर हम इसे भी सही से ट्राई करते हैं। आपको थोड़ा करके बताती हूँ। ये इतना ठीक है, तो इसी से पूरा कद्दूकस कर लेते हैं इस तरह से। और ये ऐसे ही हमें चाहिए। अगर ज़्यादा छोटा आप करते हो छोटे इस साइड से, तो वो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे नहीं करना है, जो ये से बड़ी साइज है उसी से करना है। तो मैं इसी से सब जो चार है हमारे वो कर लेती हूँ। इस तरह से इसे कद्दूकस कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसमें से ये इतना हमारा वेस्ट हुआ, मीन्स जितनी ये गोटी और ये कवर। इसके पहले भी मैंने तीन का निकाल दिया था, मीन्स 1 किलो के हिसाब से तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कवर और ये गुटली इसका वेट जाता है। तो अभी इसे हम कुछ, आपके पास बर्तन या कप, इसी से आप नाप सकते हो। अभी ये मैंने छोटी तपेली ली है, मैं इसी से नाप रही हूँ, इसे जिसमें हमें बनाना है इस तरह से। अगर 1 किलो आपके अगर कैरी का जो हमने ये बनाया है ये होगा, तो आप इसमें 750 ग्राम तक शक्कर डाल सकते हो। ये एक हो गया, अभी दूसरा। अब ये 2.25 तपेली भर के इतना ही हमारा किस हुआ है जो हमने कद्दूकस किया है। तो इस तरह से, तो इसमें हम शक्कर डालेंगे 1 पूरा भर के। हम लीजिए, तभी हम इसका हम प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका पानी नहीं निकलना है, पानी के साथ ही हमें इसे करना है। तो इतना भर के मैं डाल रही हूँ इसमें, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो आप ये ऐसे कद्दूकस करके इसमें शक्कर डाल के आधा 1 घंटे के लिए रख सकते हो, और इसके बाद आप करोगे तो वो जल्दी बनता है और टेस्ट भी बनता है। पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसे इस तरह से मिक्स करके गैस पर करूँगी इस तरह से। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो अभी चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमने गैस पर रख दिया है, इसे हम स्लो मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए
शक्कर और कच्चे केले का पानी जब तक नहीं आता है होता है तब तक हम इसे बीच में चलाते हुए पकाएंगे। अभी शक्कर हमारे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, इस तरह से बीच बीच में इसे हम चलाते जाएंगे। इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून जितना नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, अगर नहीं आप नमक डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, पर नमक के बिना टेस्ट अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से वापस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अभी वापस इसे हम होने देते हैं। इसमें अभी 10-12 लौंग और 6-7 इलायची मैंने वैसे ही दाने रखे हैं, कूट के नहीं डाले, और ये इसमें कूट के नहीं डालते हैं, ऐसे जो पूरा दाना था वही डालते हैं, तो इस तरह से मैंने डाल दिया। इसकी भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, तो अब वापस इसे चलाते हुए हम वापस इसे पकाएंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है और इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। अभी वापस हम चेक कर लेते हैं, जो हमने शक्कर डाली है उसे हमें एक तारे जैसा करना है, ताकि ये हमें साल भर तक रखना है, तो मीन्स हमारी शक्कर जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए। इस तरह से लेते हैं, अभी थोड़ा ही तार हमारा बन रहा है, तो इसे वापस हम पकाएंगे। अगर शक्कर हमारी कच्ची रह गई तो हमारे यहाँ मुरब्बा बिगड़ सकता है, तो इसी तरह से इसे चलाते हुए एक तारी होने तक इसे हमें पकाना है। इसे वापस चेक करते हैं, बीच बीच में इसे आपको चेक करना है, और गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं करना है। वापस हम चेक कर लेते हैं, तार बन रहा है, तो इसी स्टेप पे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। तार बन जाने के बाद ही हमें इसमें लाल पाउडर डालना है, रेड चिली। मैं 1 टीस्पून जितना डाल रही हूँ, आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद ही हमें इसे 2-3 मिनट पकाना है, चाहे तो आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हो। इस तरह से पहले हमने जब इसे कद्दूकस किया था वो कितना बड़ा था, अभी देख लिए कितना सिकुड़ जाता है, इसलिए वो जो बड़ा वाला होता है इसी से हमें कद्दूकस करना होता है। तो इसे हम बिल्कुल धीमी आँच पर इसे और 3-4 मिनट अच्छी तरह से पकाते हैं, क्योंकि हमें इसे लॉन्ग टाइम रखना है, तो इसे हम पकाते हैं। खुशबू इसकी बहुत ही सुंदर आ रही है, मैं आपको पास से बता रही हूँ, इसका बढ़िया सा लग रहा है। ये हमारा जो मुरब्बा है वो स्लो आँच पे अच्छी तरह से उबल रहा है, इस तरह से। अभी 2-3 मिनट हो गए हैं, फिर भी देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है, खुशबू तो एकदम मस्त आ रही है। इसे और हम 1 मिनट रखते हैं, और इसके बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ करते हैं। ये ठंडा हो जाने के बाद और गाढ़ा होगा, तो इसी समय हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मुरब्बा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसे हम अभी बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद कांच के जार में हम इसे भर देंगे।
आप इसे साल भर स्टोर कर सकते हो। अभी कैरी का सीजन है तो आप इसे बना सकते हो। टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। आप पराठे के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, खिचड़ी होगी खिचड़ी के साथ भी खा सकते हो। इसकी टेस्ट बहुत ही मस्त लगती है।